जेएनयू एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया है। शिवाजी जयंती के कार्यक्रम के दौरान यहां दो छात्र संगठनों के बीच जमकर बवाल हुआ। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर जेएनयू में एक बार फिर से एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच ये विवाद सामने आया है। लेफ्ट पर शिवाजी का अपमान करने का आरोप लगाया। एबीवीपी से जुड़े लोगों ने कहा कि लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान किया है। वहीं लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। छत्रपति शिवाजी का और महाराणा प्रताप जी का दोनों पोर्ट्रेट को बाहर रूम से बाहर फेंक देते हैं, उनका जो माला हो वो तोड़ के डस्टबिन पे फेंकते हैं। एबीवीपी का आरोप है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित सभा के दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अपमान किया। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प हो गई। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बनाते वो दिखे हैं तो दूसरे वीडियो में वो पगड़ी पहनकर घोड़े पर बैठकर नाचते नजर आए। मध्य प्रदेश के दमोह में खेतों में खुदाई के दौरान प्राचीन सिक्के मिले हैं। बताया जा रहा है कि सिक्के मुगल काल के हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने सिक्कों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारी संख्या में इमरान खान के समर्थक उनके घर के बाहर डटे हुए हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान में महंगाई पिछले 48 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई की दर पिछले हफ्ते 38.42% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए गैंग ऑफ फाइव को जिम्मेदार ठहराया। लंदन में अपना इलाज करवा रहे नवाज शरीफ ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले के बाद एटमी हथियार आतंकियों तक पहुंचाने का डर। आतंकी संगठन टीटीपी के लिए आधुनिक हथियार बने बड़े मददगार। पाकिस्तान के सामने परमाणु जखीरे को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती। महायुद्ध के एक साल पूरे होने पर रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। यूक्रेन के गोला बारूद डिपो सैन्य ठिकानों समेत लाइनमैन को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला किया है। हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी, पुलिस अधिकारियों को लूट के एक संदिग्ध का पीछा करते हुए गोली मार दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ताइवान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। ताइवान के समय के मुताबिक सुबह 7:32 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र सियाल काउंटी हॉल से करीब 13 किलोमीटर था। तुर्की में एक बार फिर से धरती हिली है। देर रात वहां पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। गनीमत रही कि भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं।